जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कमांडो अकेडमी पर। दोस्तों आज का ये वीडियो स्पेशली बहुत सारे बच्चों के मन में ये सवाल है, जब से ये न्यूज छपी है कि सेना में टूर ऑफ ड्यूटी के बाद मिलेगी आकर्ष धनराशि या टूर ऑफ ड्यूटी जो लागू होने जा रही है सेना में, इस पे बहुत पहले से ही जब सीडीएस बिपिन रावत जी थे उस समय से ही इस पे चर्चा चल रही है, उसी समय चर्चा का विषय बना था और वापस एक बार ये चर्चा का विषय बन गया है कि भारतीय सेना में अब स्वेच्छा पर यानी 3 साल के लिए या 5 साल के लिए मनोनीत हो गए, उसके बाद में वापस वो रिटायरमेंट हो जाएंगे। तो ये टूर ऑफ ड्यूटी है क्या, किस प्रकार से टूर ऑफ ड्यूटी के फायदे होंगे, नुकसान होगा, क्या होगा, देखिए इसको बारे में मैं आपको अच्छे से बता दूं। सबसे पहले कि इसका जो गवर्नमेंट का सोचना है या निजी तौर पर इसका जो फायदा होता है पूरे देश को किस प्रकार से फायदा होता है, जितने भी विकसित देश है जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, इन देशों में टूर ऑफ ड्यूटी बहुत पहले से चल रही है। तो उसके फायदा पहले एक छोटा सा मैं फायदा बताऊं कि देश के रूप में इसका फायदा क्या होता है, फिर आपके इसके नुकसान क्या होते हैं या बच्चों के स्तर पर इसके नुकसान क्या है वो भी आगे बताऊंगा। फायदा एक बड़े रूप में देखें तो इससे ये होता है कि हर एक बच्चा, अगर हर एक जवान यानी अगर 3 साल के लिए किसी को सर्विस का मौका दिया जाए आर्मी में, तो इससे ज्यादा लोगों को सर्विस करने का मौका मिलेगा, एक एक्सपीरियंस मिलेगी, एक अच्छी ट्रेनिंग मिलेगी और युद्ध जैसी स्थिति में हर एक बंदा अपने देश के लिए लड़ सकता है, उनको उस समय ट्रेंड करने की जरूरत नहीं है। तो इससे देश के जो सेना का जो रूप है वो स्ट्रांग होता है, देश की सेना मजबूत होती है और देश का जो आत्मरक्षा है बल वो मजबूत होता है। टूर ऑफ ड्यूटी का सीधा मकसद विकसित देश होते हैं, विकसित देशों में ये पहले से ही चल रहा है। अब इसका देखिए, पहले मैं आपको बताऊं, ये न्यूज आपने पहले भी देखी होगी, थोड़ा सा डिटेल से मैं आपको इसको टेक्निकल चीजों पर नहीं नॉर्मल जानकारी देता हूं कि टूर ऑफ ड्यूटी किस प्रकार से होगी। टूर ऑफ ड्यूटी हर एक जरूरी नहीं कि आप ज्वाइन करें, बहुत सारे बच्चे ये जरूरी नहीं कि आप ज्वाइन करें, इसके देखो इसका पीछे मकसद ये होता है कि टूर ऑफ ड्यूटी अगर आप ज्वाइन करते हैं तो इससे आपको फायदे क्या होगा इसके बारे में, आपको रिटायरमेंट के बाद में क्या पेंशन मिलेगी या क्या फायदा है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जो विकसित देशों में चल रहे हैं उनके हिसाब से बता दूं, इसका फायदा ये होता है कि अगर आप भारतीय सेना में 3 साल मान लीजिए 3 साल या 4 साल की टूर ऑफ ड्यूटी करते हैं तो विकसित देशों में यानी उन देशों में चल रहे उसके तर्ज पे मैं बताऊं, इससे इसके बाद में आप एक बार अगर टूर ऑफ ड्यूटी करके आते हो इंडियन आर्मी में, उसके बाद में आपके लिए एजुकेशन सेक्टर में फ्री मौके रहेंगे कि आप आगे कोई भी काम कर सकते हैं, उसमें आरक्षण रहेंगे, बाकी दूसरी अगर आप सरकारी जॉब लगते हो उसमें भी आपके लिए आरक्षण गठित किया जाएगा, या अगर देश में आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाते हो जिस प्रकार से एससी एसटी ओबीसी का एक आरक्षण होता है उसी प्रकार से एक आरक्षण और जुड़ जाएगा, जैसे एससी एसटी का आरक्षण होता है उसी प्रकार एक टूर ऑफ ड्यूटी का भी आरक्षण जुड़ जाएगा, तो इनकी मेरिट अलग बनेगी आगे बढ़ जो सिविल सेवाएं हैं या जितने भी सेवाएं हैं उनमें जाने के लिए। जो बच्चा 3 साल की या 4 साल की सर्विस करता है भारतीय सेना में तो उसको अलग से साथ में कैंटीन सुविधाओं में उनको कुछ परसेंट की छूट मिलेगी। मैं आपको बता दूं जिस प्रकार से मान के चलिए कि 100% आर्मी तो इसके लगभग 25% के जो जवान हैं उनको इस प्रकार डिसाइड किया जाना, मतलब जिसके बारे में सोचा जा रहा है कि 25% तक जवानों को टूर ऑफ ड्यूटी में हम रखते हैं जिससे कि टूर ऑफ ड्यूटी ये 25% रिटर्न होते रहेंगे लगातार, ठीक है। तो इन बच्चों इनका फायदा होगा ही होगा, इसमें कोई नुकसान नहीं है कि इसमें इसका नुकसान नहीं, नुकसान उनको होगा कि आप सोचिए कि 100% में से 25% जो सीटें हैं वो मर जाएगी, ये एक बहुत बड़ा नुकसान होगा कि मान लीजिए 100 पद है तो उसमें से अब 12वीं 75 पद ही लेगी, बाकी जो 25 पद है वो टूर ऑफ यानी टीओडी के रूप में लेगी, टूर ऑफ ड्यूटी के रूप में, तो ये बड़ा नुकसान है। लेकिन इसका यह है कि ये जो बच्चा करेगा आगे जाके अगर ये लागू होता है तो इसमें बहुत सारी छूटें एज में, हाँ एक पंगा ये भी रहता है कि सर क्या टूर ऑफ ड्यूटी करने के बाद में अगर वो दूसरी सेवाओं में या प्राइवेट सेक्टर में जाएगा उसको 100% फायदा होंगे बहुत सारी चीजों में, साथ ही उसके एक्सपीरियंस या अनुभव के हिसाब से अगर वो अच्छी ड्यूटी करता है तो उसको परमानेंट भी किया जा सकता है, ये भी इसमें पॉइंट लिखा हुआ था कि अगर वो बढ़िया से सर्विस करता तो उसको कंटिन्यू भी कर सकता है, डिपेंड करता है उसके कार्य पे, कार्य क्षमता पे, और आगे कोई ना कोई एक एग्जाम रखा जाता है उसके आधार पर आगे, जो विकसित देशों में भी चल रहा है अमेरिका में इस प्रकार से कि 4 साल वहां पर 4 साल का है, 4 साल ड्यूटी करने के बाद में अगर कोई बच्चा और भी इच्छा है उसकी आर्मी में ज्वाइन करने के लिए तो उनका एक अलग से पेपर भी होता है जिसमें लिमिटेड कुछ पोस्ट होती है जो कोई इन 75% सीटों के अंदर जाती है, ठीक है। इससे थोड़े रोजगार के अवसर ज्यादा बढ़ेंगे, ये सरकार का सोचना है कि रोजगार के स्तर ज्यादा बढ़ेंगे, ज्यादा स्तर पर जाएंगे, सरकार का मानना है कि ज्यादा से ज्यादा स्तर पे पहुंचेंगे। इसका फायदा आप एजुकेशन, अगर जो बच्चा टूर ऑफ ड्यूटी करेगा उसको एजुकेशन में फायदा होगा, प्राइवेट सेक्टरों में फायदा होगा, उसको किसी भी गवर्नमेंट आगे जो सेवाएं उनमें जाने का फायदा होगा, एज में भी ये जो 3 साल अगर वो जो देश के लिए आर्मी में देगा वो उसकी प्लस रहेगी, इसमें कोई शक नहीं, और ऑफिसर रैंक पर 5 साल के लिए मनोनीत की जाएगी और जो जवान है उसके 2 से 3 साल यानी लगभग 3 से 4 साल के लिए मनोनीत किया जाएगा, उसको ट्रेनिंग भी होगी, लेकिन उसको हाँ
भारतीय जवान यानी जो पक्का जवान होता है जो अभी प्रेजेंट टाइम में आर्मी में सर्विस कर रहा है उतनी सुविधाएं नहीं मिलेगी, उसको कुछ सुविधाएं दी जाएगी, ठीक है। पूरी की पूरी 100% सुविधाएं नहीं कि भाई कैंटीन में बिल्कुल फ्री कर दिया जाएगा, रिटायरमेंट के बाद में उसको पेंशन मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। कुछ उसको सुविधाएं भी दी जाएगी, सेना की तरफ से उसको एक आरक्षण प्रोवाइड होगा आगे की नौकरी करने के लिए, प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने के लिए, तो उस हिसाब से ये सोचना है सेना का, ठीक है। ये है ट्यूर ऑफ ड्यूटी और इसके बारे में आगे देखते हैं। इससे ये 25% नुकसानदायी हो सकता है, जरूरी नहीं कि ये डिसीजन सही भी हो, लेकिन जब इसका पूरा खुलासा होगा कि इसके क्या फायदे हैं क्या नुकसान है उस समय इसके बारे में सोचेंगे। अगर गलत होगा तो देखा जाएगा, सही होगा तो अच्छी बात है। किस प्रकार से इसको व्यवस्थित करती है भारतीय सेना वो तो जब सामने आएगा तब आएगा, लेकिन इसमें होगा क्या क्या मैंने आपको बता दिया। इसमें ट्रेनिंग होगी थोड़ी सी, नॉर्मल ट्रेनिंग 3 महीने से 90 दिन से 6 महीने तक की ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग के दौरान भी वर्क होता है, साथ में भारतीय सेना के सपोर्ट में होता है। इसका फायदा ये होता है कि हर एक जो भी तीन साल की जो सर्विस करेगा वो देश में कभी भी आपातकालीन स्थिति में युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो सकता है। उसको बाध्य भी किया जाता है, आपको पता है भारतीय सेना में, ठीक है, कि युद्ध की स्थिति में उसको जाना ही पड़ेगा, ड्यूटी ज्वाइन करनी ही पड़ेगी। इस प्रकार से कई नियम होंगे जो उसमें फिक्स होंगे, साथ में एज 21 साल से बढ़कर और ज्यादा चलेगी। वो उन युवाओं के लिए भी एक अच्छा मौका होगा जो 21 साल तक आर्मी में नहीं लग पाए तो वो भी इसमें जा सकते हैं, ये भी एक अच्छा अनुभव रहेगा उनके लिए, उन बच्चों के लिए, ठीक है। ट्यूर ऑफ ड्यूटी जरूर नहीं कि आप ज्वाइन करो, आप इस 75% के कंपटीशन में आ सकते हो। हाँ, इससे कहीं ना कहीं आर्मी भर्तियों में थोड़ी सी कमी आएगी बड़ी भर्तियों में, क्योंकि 25% सीटें से रुक जाएगी और अलग सेक्टर से एक सीटें चलेगी। तो ये है भाई ट्यूर ऑफ ड्यूटी। जय हिंद, जय भारत।